क्या नाम हुआ सर आपका? बिरेंद्र कुमार सोनी। अच्छा सोनी जी, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम योजना क्लर्क हैं। योजना क्लर्क हैं। अच्छा, योजना क्लर्क का मतलब क्या होता है सोनी जी? जो यहाँ डेवलपमेंट वगैरह का काम होता है। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा हो गया लगभग 55। 55। अब मुँह में क्या रखे हैं सोनी जी? अभी तो आप देखे हैं। क्या निकाल लेते हैं, मतलब क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पान खाए थे और क्या? पान खाए थे। चलिए ठीक है, आ जाइए, कम हेयर। और यहाँ का मैं कुछ और सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे आदमी है ना आप जी? हाँ, तो मुंह में क्या है? पान है। पान है, चलिए ठीक है। और आ जाइए, ये लोग यहीं पे बैठते हैं, ये ब्लॉक है। और देखिए थूकते कहाँ है ये लोग, ध्यान से थोड़ा जूम कीजिए और पास में जाके दिखाइए। ये देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का धजिया जो है यहाँ पे उड़ाया जाता है, बाकायदा हमारे टैक्स के पैसे से कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, हर चीज लगाया गया है। पंखा भी है, इन लोगों को सैलरी भी दिया जाता है, लाइट भी है, उसके बावजूद भी इंटरनेट का भी व्यवस्था है, वाईफाई का भी व्यवस्था है। और देखिए थूका कहां जाता है? यहां पे। अब जरा सोचिए कि जब ऐसे ऐसे 55 साल के उम्र के कर्मचारी जो ऑलरेडी इस ब्लॉक में पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग इस प्रकार से गंदगी फैलाएंगे और जिस ऑफिस में बैठेंगे वहीं पे थूक देंगे, तो बिहार का विकास कैसे होगा? बाकी यहाँ पे जो है योजनाएं लिखी जाती है, नाम लिखा जाता है, सिद्धांत भी लिखा जाता है। यहाँ पे 7 सामाजिक पापकर्म जो है, सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं करना है, काम के बिना धन नहीं लेना है। और ब्लॉक में सभी ईमानदार लोग बैठते हैं। विवेक के बिना सुख नहीं, चरित्र के बिना ज्ञान नहीं, नैतिकता के बिना व्यापार नहीं, मानवता के बिना विज्ञान नहीं, त्याग के बिना पूजा नहीं, महात्मा गांधी जी ने कहा है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि गुटखा पान खा के जो है ऑफिस में थूक दे, इसलिए थूक देते हैं लोग। चलिए आगे चलेंगे और भी कुछ चीजों को जानने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? रंजन कुमार। किससे मिलने आए थे यहाँ पे? सीओ साहब से। कितने बजे आए थे? 11 बजे। 11 बजे अभी मुलाकात हुआ है कि नहीं सीओ साहब से? नहीं हुआ। क्यों नहीं मुलाकात हुआ है? बोल अधिकारी, उनके स्टाफ बोले हैं जो अभी तक मुजफ्फरपुर गए हैं, मीटिंग में नहीं आए पाए। मतलब विकास का काम सीओ साहब कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जाके दनादन विकास होगा इस ब्लॉक का, इसीलिए 11 बजे से बेचारा आया है और उससे मुलाकात सीओ साहब से नहीं हुआ है। अभी उसमें कोई कर्मचारी है कि नहीं? कर्मचारी है, है। चलिए वहाँ पे चलेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। वो भी सुबह से इंतजार में है। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मारा तो श्री राम सिंह हुआ। अच्छा, ये बताइए कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? हम तो करीब 12 बजे से इंतजार। अच्छा, किसका इंतजार कर रहे हैं? सीओ साहब का। मुलाकात हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो तो है ही नहीं। कल भी हम 5 घंटा बैठ के गए। कल भी आए थे आप? हाँ। और कल भी बैठ के चले गए? हाँ। फिर भी मुलाकात नहीं हुआ, किस काम के लिए आए थे? वो हमारे बहनोई डेथ कर गए हैं, उनका एगो पेपर है, उस पर साइन कराना है। साइन कराना है, यानी मैं बोलता हूँ ना कि मृत्यु पे भी राजनीति और मृत्यु पे भी भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता है। अच्छा बाबू, तुम किस काम के लिए आए थे? जाति बनवाना थे। जाति बनवाने के लिए? अच्छा, साइकिल से आते हो? यस। पहले इस बाबू का कंडीशन देख लीजिए, अगर ये नेता का बेटा होता तो इसको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती और सीओ साहब जो है ना वो घर पे आके इसका जाति बना देते। अगर चिराग पासवान होता तो रामविलास पासवान का बचवा, लेकिन ये गरीब है और इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ दो ही जाति रहते हैं, एक गरीब और एक अमीर। अमीरों का काम दनादन, गरीबों का काम लटका रहता है। सही है कि नहीं बाबू? सही है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? ऋतिक कुमार। अच्छा ऋतिक रोशन, ये बताओ क्या करते हो? खेलने आए। अच्छा खेलने आए हो, यहाँ पे काम होता है ईमानदारी से? हमको नहीं पता। देखिए इसको पता ही नहीं है, ईमानदारी से काम होता तो शायद पता होता कि हाँ ईमानदारी से काम होता है। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सीओ साहब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कल स्कॉट में चले। किसके स्कॉट में? कोई नेताजी जीते हुए थे। हाँ। वही आए थे, उनके स्कॉट में। हाँ। गए थे और आज जिला में मीटिंग में गए हुए थे। जरा सोचिए नेताजी, आप लोग जीत जाते हैं इन लोगों के वोट के वजह से और स्कॉट में सीओ वीडियो को घुमाते रहते हैं और ये लोग ब्लॉक में आके घूमते रहते हैं, इन लोगों का काम नहीं होता है। और ये कुढ़नी ब्लॉक है और यहाँ पे वीडियो सीओ सब बैठते हैं लेकिन जल्दी लोगों से मुलाकात नहीं हो पाता है। क्या समस्या है चाचा? जमीन रजिस्ट्री हुआ है नारायणपुर में सुदवाड़ा का, मुझे मालूम हुआ 18-1 को रजिस्ट्री हुआ हमने। किसका जमीन रजिस्ट्री हुआ? मेरा। आपका जमीन? हाँ। मतलब किसने रजिस्ट्री कर दिया? बाबा दादा का संपत्ति है। हाँ। जिस पर केस चल रहा है। हाँ। 228-17। हाँ। तो उस पर हमको जब मालूम हुआ, नेट से देखा गया, देखे तो सर्च में आया कि अवधेश कुमार और मिथिलेश कुमार रजिस्ट्री किए हैं। हाँ।
जबकि बाबा दादा का संपत्ति है। केस के आवर में अगर कोई रजिस्ट्री होता है तो गलत होता है कि सही होता है, तो हमने देखा तो हम आपत्ति सीओ साहब के यहाँ। तो आपत्ति किए तो इन्होंने रुकवाया कि नहीं? नहीं, तो उसके बाद इन्होंने केस का फाइल मांगा, केस का फाइल भी मैंने दिया, मतलब 4-2 को आपत्ति दरखास्त दिए, तो हमको हुआ कि भाई केस का फाइल नहीं है, तो 8-2 को हम केस का फाइल दे दिया, और उसके बाद तब जाके 26 और 28 को इन्होंने मोटेशन कर दिया। 26 उसके बावजूद भी मोटेशन कर दिया? हाँ, उसके बावजूद भी मोटेशन कर दिया, हमको सूचना नहीं दिया गया, जबकि आपको सूचना दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए, और यही कारण है कि बिहार में जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा होता है, और जमीनी विवाद में ही सबसे ज़्यादा मर्डर होता है। इस देश के गांवों का विकास का रास्ता ब्लॉक से होकर गुजरता है, और जब ब्लॉक का ही रास्ता भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है तो इस देश के गांवों का विकास कहां से होगा। इसीलिए इस देश के शहरों का तो लगभग थोड़ा बहुत विकास हो जाता है, शहर में रहने वाले अमीरों का विकास हो जाता है, लेकिन गाँव में रहने वाले गरीबों का विकास नहीं होता है। ये बहुत बड़ा VIP ब्लॉक है, आप देख सकते हैं, और ये VIP ब्लॉक गाँव के लोगों के टैक्स के पैसे से बना है, और VIP ब्लॉक में देखिए जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर प्लेट है, उसके बावजूद भी यहीं पे भ्रष्टाचार हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या बना है, ये देखिए ध्यान से ब्लॉक में, और ब्लॉक के BDO साहब रोज इस रास्ते से गुजरते होंगे, CEO साहब गुजरते होंगे, आवास सहायक गुजरते होंगे, रोड वाले इंजीनियर गुजरते होंगे, उसके बावजूद भी, सारा व्यवस्था होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार हो जाता है। इन लोगों को एयर कंडीशन कमरा मिलता है, एयर कंडीशन गाड़ी मिलता है, एयर कंडीशन गार्ड मिलता है, एयर कंडीशन डंडा भी मिलता है इन लोगों को, एयर कंडीशन अधिकार भी मिलता है, उसके बावजूद भी देखिए क्या स्थिति है। ये देखिए, अब अगर इसको इस प्रकार से ढका गया है और कोई बुजुर्ग व्यक्ति इसमें आके गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए, तो क्या होगा, जरा सोचिए। और यहीं से विकास का रास्ता गुजरता है, इसीलिए आज हम लोग इस ब्लॉक में आए हैं और इस ब्लॉक की सच्चाई बताएंगे, और CCTV सारा ब्लॉक में लगा हुआ है, तो CCTV से सिर्फ और सिर्फ इतना जांच हो कि कौन कौन से अधिकारी गुटखा खा के ब्लॉक में आते हैं। ब्लॉक में काम करने वाले अधिकारियों को 46 डिग्री टेम्परेचर में भी गर्मी ना हो, इसका भरपूर व्यवस्था सरकार जनता के टैक्स के पैसा से करता है। बिजली के साथ साथ जनरेटर का भी व्यवस्था करता है, जनरेटर खराब हो जाएगा तो सोलर प्लेट का भी व्यवस्था करता है, लेकिन कोई सही ढंग से नहीं है। ये देखिए, ये एगो जनरेटर है, पता नहीं चलता होगा कि नहीं चलता होगा, लेकिन उसके पहले एगो जनरेटर जो है वो सड़ा दिया गया है, ये देख रहे हैं। यहाँ पे सरकार अनेकों बुलडोजर खरीद रहा है और अनेकों लोगों पे चला रहा है, चलाए, लेकिन साथ में इतना भी काम करे कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, अधिकारी, उनके संपत्ति का जांच करे, और जितना भी अवैध संपत्ति पाया जाए उनके संपत्ति पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। और उम्मीद है कि 56 इंच सीना वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भ्रष्ट अधिकारियों पे भी बुलडोजर चलाने का प्रयास करेंगे। जहां पे लोहिया कार्यालय तो बनाया जाता है, स्वच्छ लोहिया के नाम पे स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार करने का प्रयास किया जाता है, और देखिए कितना ईमानदारी से स्वच्छ बिहार और स्वच्छ भारत हो रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एगो ईमानदारी पूर्वक शेड लगाया जाता है, और शेड का स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। जब तक ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक गांवों का विकास नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म करने की जरूरत है। और ये देखिए, ये कहानी देखिए, जरा सोचिए, ये स्थिति है यहाँ की।